बताना कौन बेलपत्री चढ़ावे है भोले बाबा पे, तो झलकता है। और किसी किसी ये मेरी ससुरी है, रो लो झीक लो जब समझ में ना आती। का मतलब यही है, अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो और दूसरे इंसान के साथ अच्छा कर रहे हो, या फिर बहुत पुण्य का काम कर रहे हो और सोच रहे हो कि हाँ आप वहाँ अच्छा कर रहे हो और मैं यहाँ किसी के साथ किसी का गला काट दूँ, किसी का पेट काट दूँ, मुझे कोई फर्क ना पड़ेगा, मेरे साथ कुछ बुरा ना होगा, यह चीजें भगवान देख रहे हैं। सभी को वेलकम टू प्रीति तंद्र व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो आज मेरी व्लॉग की शुरुआत फिर से हुई है हमारे चूल्हे के साथ, जो आप सबको बताइए कि चूल्हे की रोटी, पहले तो आज मुझे कमेंट करके सच में ही सब बताना कि किस किस को चूल्हे की रोटी पसंद है। देखते हैं हम भी कि भाई अभी भी कौन कौन है, इसी से पता चल जाएगा कि किस किस के घर में चूल्हे की रोटी बनती है अभी भी, क्योंकि जिनको पसंद है तो भाई वो बनाते तो जरूर होंगे, ऐसा नहीं है कि वो बनाते नहीं होंगे। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमें पता है हमारे घर में चूल्हे की रोटी पसंद की जाती है और बनती भी है, और आप सब ने देखा भी है कि मैं बनाती भी हूँ। आप सब मेरे ब्लॉग कंटिन्यू देखते आ रहे हो पहले से ही, तो आप सब ने देखा है मैं चूल्हे की रोटी बनाती हूँ, यहाँ भी ससुराल में भी, दोनों जगह मेरी ड्यूटी है इस चीज की कि मुझे चूल्हे की रोटी बनानी होती है, कॉमन है ये काम तो मेरा। देख लो किसी की कुछ चीजें कॉमन हो, मेरा काम कॉमन है। तो भाई जैसा कि आप सबको पता है कि श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, तो इनमें हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी से, क्योंकि देखो हमारे देवता महाराज 15 दिन के लिए ही धरती पर आ गए, जो हमें मौका देते हैं कि हाँ हम उनकी सेवा करें, तो इस सेवा का भरपूर आनंद उठाए सब, मैं तो यही कहना, बाकी देखो आप सबकी मर्जी आ गए। तो किसी की होते हो या ना हो, दो रोटी बनाई और चिपड़ी और बूरा रखी या दही रखी, कुछ भी दही मत रखना क्योंकि फिर वो निकालनी हो जाए एक तरीके से, अपने मीठे रखा उस पर और गाय दे दी, सबसे बड़ा पुण्य, क्योंकि भाई देखो दिखावटी लोग आजकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लोग दिखाते कुछ और है और होते कुछ और है, ये बात सच है। तो अपने आप अपने कर्म बना करो, अपने कर्म अच्छे करो, बाकी तो भगवान सब कुछ अच्छा करते ही है। तो मुझ पर तो देखो यही चीज़ है, मैं तो इसी चीज़ में मानती हूँ कि हाँ जितना हो सके अपने भगवान की करो, और इन दिनों में सच में बहुत बड़ा पुण्य मिला है हमें, कुछ करना कुछ अच्छा करो जिनको फल मिले हमें, क्योंकि आजकल वैसे तो सभी बहुत दुखी है, हर कोई दुखी है, कोई किसी चीज़ से दुखी है, कोई किसी चीज़ से दुखी है, बाहर निकल के देखो सच में जब पता चलेगी दुनिया कितनी परेशान है। तो इसलिए जितना हो सके अच्छा करो पुण्य करो, लोग सच में ही बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं इस टाइम ना। बेटा मेरी तो ब्लॉग चल रहा है, मैं कह रहा मम्मी वॉल्यूम कम कर दो, ओह ब्लॉग मत बनाओ मुझे गाने सुनने। सच में ही लोग इतना बुरा कर रहे हैं आजकल, ये ना सोच रहे, मतलब ये कुछ लोग तो अच्छा भी इसलिए करते हैं कि वो औरों के साथ बुरा कर रहे हैं, एक तरफ तो मतलब अच्छाई और एक तरफ पाप, तो उन्हें ये लगे कि हमारे पाप इससे कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा ना, मैं इस चीज़ें नहीं मानती, क्योंकि अगर आप किसी के साथ कर रहे हो ठीक है, आपने मेरे साथ बुरा करा है, और आप किसी और दूसरे के साथ अच्छा कर रहे हो ठीक है, जो वो आपको दुआएं दे रहे हैं वो दुआएं आप मिलेंगी ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मेरे मुंह से या मेरी आत्मा से कुछ निकल रहा है तुम्हारे लिए बुरा, ऐसी तो बात ना भगवान उसकी भी सुने। तो यही है कि इतना कहीं इतना अच्छा कर रहे हो कहीं इतना बुरा कर रहे हो, ये चीज़ ना होनी चाहिए, बराबर रहो ना दोनों जगह, किसी का अच्छा ना कर सकते तो बुरा तो बिल्कुल भी मत करो किसी के साथ। आज ये चीज़ मन में, मतलब ये चीज़ ही मन की ब्लॉग शुरुआत करूँगी चूल्हे पे बैठ के आज, और चूल्हे पे बैठ के आप सबके साथ कुछ बातें करूँगी। और मुझे कई कमेंट आई थी कि बहन गड़ी में पानी नहीं लेते चून मारने के लिए, सच बताऊँ तो पहली जो कमेंट थी ना मुझे समझ में आया, फिर जब प्रिया ने बोला है ना, प्रिया मुडेल ने,
तो फिर मुझे ये चीज समझ में आई, फिर मैंने औरन की कमेंट पे भी ध्यान दिया। बहन बुरा मत माना, सबसे पहले जो कमेंट थी ना वो मुझे समझ नहीं आई थी, शायद उसमें थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक थी इस वजह से नहीं। फिर मुझे लगा, मैंने कहा पता नहीं भाई, कई बार क्या होता है कमेंट करने के बाद ये चीज़ भी बोली जाती है मुझे कि बहन सॉरी बच्चों ने कमेंट कर दी या ऐसा कुछ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा देखते हैं। फिर जब दो तीन कमेंट और आई थी ना, और भी कमेंट आई थी, मुझे आइडिया याद नहीं है अभी इतनी, तो फिर मैंने इस बात पर ध्यान दिया। तो बहन आप सबके लिए थैंक यू सो मच। एक बहन ने मुझे बोला था कि आप तो गाँव से बिलोंग करते हो, आपको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। तो बहन एक बात बता दूँ, बहुत ज्ञान ऐसा है जो बहुतों के पास नहीं है, बहुत ज्ञान अधूरा है अभी। अब देख लो, सच बताना कौन बेलपत्री चढ़ावे है भोले बाबा पे? कोई गिनी चुनी कोई शिवरात्रि पे चढ़ाता हो तो भाई चढ़ाता हो, हमें तो देखो पता ना। मैंने तो सही बताऊं, कुआरी ने कोई व्रत ना करा, कोई भी व्रत कदी ना चाहे कि पति ऐसा मिलियो वैसा मिलियो, बस यू ही भगवान ठीक है, जो होएगा जैसा होएगा ठीक ही होएगा। एक बस विक्की के लिए व्रत करे कुआरी ने, और किसी चीज के लिए व्रत ही ना करे। मैंने तो कुआरी ने बस विक्की के लिए करे, जब विक्की हॉस्पिटल में एडमिट है कि हाँ माँ, वो भी माता रानी की ये करे। नवरात्रि जो अब आने वाले हैं, इन्हीं दिनों में विक्की एडमिट हुआ, क्या प्रॉब्लम है? नहीं कर सकती, मैं पीटूंगी कि हाँ मेरे भाई ठीक हो जा, क्योंकि उस टाइम विक्की बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट रहा 3-4 दिन। जब इसके लिए नंगे पैर व्रत करे मैंने, और मेरी याद है मैं अपनी विक्की फर्स्ट टाइम मैं बस में गई, मैंने बस में सफ़र करा पहली बार सफदरजन तक के लिए, यहाँ से सफदरजन। आते टाइम मम्मी ये लेके आई, भैया कंडक्टर ने कही कि मैं बता दूंगा जहाँ पे उतरना है, छतरपुर उतरना है आपको, आप इसमें बैठे रहना, बाकी बात पे यकीन ना करो। मैं कि ना यू तो शायद गलत ले जाएगा, अंधेरिया मोड़ी उतर गई, खड़ी रही, ना फोन ना कुछ, पूछताछ के जैसे तैसे घर पकड़ो उस टाइम पे तुम। और आज देख भगवान ने इतना कुछ सिखा दिया, कहाँ सफदरजन तक जा ना पावे जो हमारे गाँव की जड़ में ही है, और अब कहाँ धनतले खोली कहीं पहुंचा दो वहीं चले जा, पूछते अब ना रहती वो चीज़, सब डर निकाल दिए सच में ही। यह है ना, देखो ये चीज़ शौक की ना होती, बहुत से लोगों को लगा है ये ठाली है, इन पे कुछ काम ना, इन्हें सिर्फ वीडियो बनानी हो व्लॉग बनाने हो, इन्हें घूमना हो, ऐसा ना हो तो हर जगह घूमना जाना, घूमना ना हो तो घूमना क्या हो, फैमिली के साथ जावे इंजॉय करे अच्छे से 2-4 दिन बिता के आ रहे, वो घूमना हो। ये कोई घूमना ना हो तो बाबा खोली पे जाना, बहुत से ऐसे है भाई गाड़ी ना घर में सब जाने वाले ना है तो बस से चले जावे, बस तो चल रही है। रही ससुराल पीहर की बात, ना लाने ले जाने वाले तो खुद आना जाना पड़े। उससे पहले तो खैर आपने देखा होगा मैं एक दो बार ही आई हूँ, वरना ये भेजी कर ना आई। अरे अब तो भैया किसके हाथ पैर जोड़ूं, किसकी बात देखूं, तू चल यू चल, तो इसलिए इतना होना चाहिए अपने आपे में कि हाँ हमें कोई ज़रूरत है। कब तक खींचूंगी, कितने काम पड़े मेरे, तो कब तक कहती पापा तू चल भाई तू चल। देखो सबके अपने काम हैं, क्यों उनके कॉमन ने भी छुटावे। तो या हमारे इतना आना जाना अब सीखो कि हाँ खुद आ जा सकूँ। आपने देखो अब ये प्रमोशन हो कोलैब हो, इनमें भाई अन्न ले जा कर क्या करूँ, बैठे बैठे बोर होने हैं। मेट्रो इतनी अच्छी चल रही है, अपने कहीं से कहीं पहुंच जाओ, कोई टेंशन ना हो। तो ये देखो किसी की कमेंट या किसी की बातें बुरी लगना, ये सब चीज़ें ना, ये सब चीज़ें वो है जो मेरे मन में ही आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये सारी बातें मेरे मन में ही, अभी मैं बैठूंगी ना तो बहुत कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। होता है ऐसा हो कभी कभी मेरा मन हो फिर मैं खुद पे ही कर जाऊँ, मैं कि ना छोड़, क्योंकि बहुत सी मेरी बहनें ऐसी हैं जो मेरे दुख हैं आंखों से ही समझ लें। एक दो बहनें उन्होंने कही कि बहन आपकी आंखों में ही दिखता है आपका दर्द, जो आपका दुख है ना वो आपकी आंखों से झलकता है। और किसी किसी ये मेरी ससुरी है, रो लो झीक लो जब समझ में ना आती, तो ये नज़रिया ही तो और क्या है ना, ये नज़रिया कि हाँ कोई तो, अगर मैं हंस भी रही हूँ ना तो भी उन्हें पता हो कि मैं रो रही हूँ या मेरे अंदर कोई दुख है,
और किसी किसी के सामने तो सही क्या है, दिल चीर के दिखा दो फिर भी समझ में आती। हाँ जी, आज सब्जी कौन सी? आज सब्जी वो ही है बेटा जो तेरी फेवरेट है। चलो पहले माता पे जाओ। अभी तो चलेगा, इन सबसे बातें करने दो, आपसे डेली बातें होती है। देख मैं शेर ना गा लो, जल्दी आज पहले माता पे जाओ। आज नहीं आज जाओ बेटा, ऐसे नहीं बाबा के हाथ जोड़ गाओ, डेली जाना चाहिए। मम्मा जी डेली चले जाओ, पिटाई कर दूंगी बस आज ही। जा 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 गो। अब मैं सोची मैं इनकी ना रोटी गैस पर बनाऊंगी, ना वहाँ ठीक से बात हो पाएगी, ना ब्लॉग बन पाएगा मैं इनके लिए। आज मैं चूल्हे पर रोटी बनाते बनाते, मुझे आदत है, आप सबने देखा होगी मुझे भजन सुनने हैं, या फिर भैया होना चाहिए मुझे कि फ़ोन पे बात हो जा, फ़ोन पे बात मैं जब प्रेस करूँ जब मेरे फिक्स है, मेरे गुड बॉय। अच्छा मैं रोटी बनाऊँ ना, जब मुझे भजन चलाने की आदत है, और अब एक दो भजन इतने अच्छे लग रहे, वे डाउनलोड ना हो रहे, वे दिमाग खराब हो रहा, वे ऑनलाइन ही चले, ऑनलाइन भी हालांकि चला लूँ लेकिन फिर मैं ऑनलाइन इसलिए ना करती, फिर लोगों के मैसेज आ उन्हें लगे कि ऑनलाइन है रिप्लाई नहीं करा, ये नहीं करा वो नहीं करा। और देखो जहाँ तक हो सके, अगर ये बहन भाई इंस्टा पे भी मुझे देखते होंगे, कोशिश पूरी पूरी रहती है कि रिप्लाई करूँ आप सबका, जो भी मैसेज देखूं, इतनी भी मैं प्रधानमंत्री ना हूं जो मतलब इतनी बिजी हूं ना रिप्लाई करूं, पर मैं रिप्लाई उनको करना पसंद करूं जो सच में ही मुझे पसंद करे। बहुत ऐसे हैं जिन्हें मैं कभी इग्नोर ना करती, क्यों? क्योंकि उन्हें, वे मेरी बातों को समझते हैं, वो अच्छे हैं, तो अच्छे लोगों के साथ तो मैं हमेशा हूँ और कभी उनको इग्नोर नहीं करती। YouTube कमेंट में ऐसा करती हूँ, सबकी कमेंट लाइक करती हूँ, फिर फुर्सत में बैठती हूँ और सबकी कमेंट का आराम से रिप्लाई करती हूँ। तो भैया मेरे दक्ष की नज़र है हम पे ही, कब मेरी मम्मी का ब्लॉग ख़त्म होएगा और कब मेरी मम्मी इनसे बात करना बंद करेगी और कब मेरे गाने चलेंगे। हाँ जी हाँ जी, किसी लगी मेरी रील, कैसा लगा भाई मेरा व्लॉग? आप है मेरा व्लॉग कैसा लगा? मम्मा अच्छा तो लगा है पर जल्दी करो, मम्मा बस जल्दी कर दो। भारती का मेला भी खत्म होगा, हम तो वहां भी ना देख पाए, नो गैरी शिवानी कहा मेले देखे, मेले पे लेन देखते हैं। हम तो पिछली बार ले गए अपने बच्चे ने, क्या ऊपर तो नहीं तो ऐसे ही ला लो। दक्षु तू तो नहाया ना, पर पार्थ है मम्मा, पार्थ ना दक्षु जो तुम्हें बुरा लेके, पर पार्थ ही आ जाए नहाया। कौन जा रही बेटा? नानी से बोल दे मामा तो वॉशरूम में, मामा तो वॉशरूम में। हमारी लालिया जाना ऊपर छत पे, टच भी ना हो रही मेरे, कैसे बात है? रुक जा मैं भी ऐसी नहाई धोई हूँ, मैं भी माता पे गई ही। चलो ब्लॉग करते हैं पे खत्म, गड़ी दे दे पहले तो इसे, फोन के ऊपर से ही जाएगी आखिर। आ रहा हूँ, व्लॉग चला दे तू। चप्पल कौन है? ये मेरा है, एक दो रहते, ये तो बिजी इतना इतना बिजी भाई। आपकी शेयर लिस्ट में कौन कौन ऐसा है ना, आपकी शेयर लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे कौन है इंस्टाग्राम पे बताना जरूर मुझे। हाँ जी, और कौन कौन ऐसा है जो इंस्टाग्राम से यहाँ पे आया है?
ब्लॉग देखने के लिए। तो कहने का मतलब यही है, अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो और दूसरे इंसान के साथ अच्छा कर रहे हो, या फिर बहुत पुण्य का काम कर रहे हो और सोच रहे हो कि हाँ आप वहाँ अच्छा कर रहे हो और मैं यहाँ किसी के साथ किसी का गला काट दूँ, किसी का पेट काट दूँ, मुझे कोई फर्क ना पड़ेगा, मेरे साथ कुछ बुरा ना होगा, यह चीज़ें भगवान देख रहे हैं। भगवान से डरो और अपने देवतान की करो जितना हो सके। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं और वो कहीं और नहीं होते, हमारे अपनों के बीच में ही होते हैं, जो अपने के साथ तो बहुत बुरा करेंगे और बाहर दिखाएंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत धर्म का काम करते हैं, लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं जब हम अपने घर में किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, तो बाहर हम कितने अच्छा कर ले, बाकी नजरों से कभी नहीं बच सकते। तो ठीक है, जय देवता महाराज, अपनी कृपया बनाना बाबा, सबे खुश रखना और राजी खुशी 15 दिन इन्हें खूब सेवा करो, खूब पिंड दान करो, खूब अच्छे से। हम तो गए इसीलिए खोली पे, फिर छोटे हरिद्वार नहा के आए, वो भी भाभी की वजह से, सच बताऊं वो इस वजह से जाना हुआ क्योंकि उनकी जिद्दी कह रही नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है। मैं इनकी ठीक है चलो, और फिर आते टाइम हम आए, मैंने आते टाइम शिवानी होगी बहुत ज़्यादा गुस्सा, कह रही भाभी हम पागल है, फिर आप आए क्यों, आप है तो पता ही हमें तो व्लॉग वीडियो बनाना है, आप आना रहे ये और वो। फिर कह लगी ठीक है दीदी आ जाओ, मैं फेस रिव्यू ना करी, हमारे साथ फोटो वीडियो लिए उन्होंने, लेकिन कह रही नहीं मेरे साथ मत लो, मेरे साथ मत लो। फिर शिवानी ने कही आप ठीक है रहने दो, हम नहीं आएंगे ये वो। फिर कह लगी चलो ठीक है ले लो थोड़ा कैप्शन। आप समझ सकते हो किसी किसी की प्रॉब्लम होती है ये कि उनको फेस रिव्यू नहीं करना होता, तो ठीक है मत करो। मुझे तो इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेरे साथ जा रहे हैं, मेरे बराबर में भी होते हैं ना, वो कहते हैं कि मत लेना हमें व्लॉग में, मैं तो नहीं लेती हूँ, मैं तो अपना अपना व्लॉग बना लेती हूँ, लेकिन हमारी शिवानी इस चीज के लिए ऐतराज करती है कि जब आप हमारे साथ आए हो, हम वीडियो व्लॉग बना रहे हैं तो उसमें आपको आना चाहिए। तो फिर उन्होंने शायद शिवानी की बात समझी, इसलिए फिर वो बाद में आई थी, कह रही ठीक है अब आप अपना कैप्चर ले लो, हंस भी चलो ठीक है, बाय बाय।